क्या बात है बेटा, ये चांद क्या हुआ? ये चांद क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? आज मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। आज इतने से बात तुम्हें बाबा की याद क्यों आ गई? मुझे वो भूले ही कब थे। स्ट्रॉन्ग गर्ल, तुम ऐसे कमजोर पड़ोगी तो मेरी जान, ये जिंदगी बहुत मुश्किल चीज है। अगर ये तुम्हारा रवैया, फिर तो जी ली तुमने जिंदगी और कर लिया इस दुनिया का मुकाबला तुम। मैंने हर सुख जो भी चाहा है, मुझे हर चीज दी है। आपने मेरी माँ भी बन के दिखाया, बाप भी। जब से बैठ गए, मेरे अंदर कुछ टूट गया है, जस्ट फॉरएवर ब्रोकन। मेरे दिल का एक कोना बिल्कुल खाली है। मैं क्यों हूं ऐसी, आपने कभी सोचा है? मेरे इमोशंस में इतनी पोलैरिटी क्यों है? एकदम से मुझे गुस्सा आ जाता है, एकदम से मैं खुश हो जाती हूँ। Why is there something wrong with me? It's because मेरा बाप नहीं है। मैं नॉर्मल नहीं हो सकती कभी भी। कभी कभार मुझे लगता है शायद खुशी मेरा नसीब मेरे की नहीं है। अच्छा देखो, मैं भी तो अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। देखो, अगर तुम इस तरह से इतने कमजोर दिल के साथ जीने का सोचोगी तो फिर तो जी ली जिंदगी तुमने बेटा, कर लिया फिर तो तुमने मुकाबला इस दुनिया का। आपके पास तो सिर्फ एक शौहर नहीं था, लेकिन एक बेटी को एक बाप की कितनी जरूरत होती है आप कभी नहीं बताओगा। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मुकम्मल नहीं हूं। I really miss. Maybe I'm just. Maybe it's just meant to be. शायद मेरी किस्मत में लिखा है कि ये अधूरापन, ये दिल में खला, मेबी इट्स समथिंग दैट आई मेंट टू लिव विद। मुझे ऐसे लगता है मैं कभी खुश नहीं हो सकती। ताशा, अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो फिर तुम उन लोगों से बदला कैसे लोगी जो जो तुम्हारे बाबा की मौत का सबब बने? कैसे बदला लोगी उनसे? बदला? आपको लगता है उस फेंग ने या अंकल जहांगीर और उनकी बीवी ने कुछ किया है? आप कैसी बातें लेके बैठ जाती है? किस बात का बदला जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है? आपको लगता है वो है जिम्मेदार हमारे बाप की मौत के लिए? आपको पता भी है सब कुछ, लेकिन आप फिर भी वही बातें लेके बैठ जाती हैं। आप किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहती हैं ना उनकी मौत की? दिस इज नॉट इट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। Wouldn't understand. Yes, I wouldn't understand. शिकवा रहा ना कोई, गिला भी ना तुझसे कोई। असल गेमर्स तो ये दोनों हैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।